नमस्कार, आप देख रहे हैं बी आर जे टी वी जनता की आवाज़। आज वासिलपुर पंचायत में घुसड़ा गांव में जो पंचायत का चुनाव हो रहा है उसमें एक मुखिया प्रत्याशी हैं। तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है उमेश्वर प्रसाद यादव, वासिलपुर पंचायत ग्राम भुसड़ा के निवासी हूँ। चुनाव मैदान में आज नहीं, आज 40 वर्षों से राजनीति। सबसे पहला प्राथमिकता है कि गाँव में बीच गांव में रोड आया है, उसके बाद टोला टाटी जो है वहां रोड मैंने किसी तरह का संपर्क नहीं है। सबसे पहले प्राथमिकता है कि वहां पहले रास्ता की व्यवस्था करेंगे, रोड पहुँचाएँगे। दूसरा, हमारे यहाँ स्कूल का ये स्थिति है कि कहने लायक नहीं, वो हम पहले हाई स्कूल बना देंगे, मिडिल स्कूल हाई स्कूल दोनों बना देंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए हमने प्रस्ताव रखा था, लेकिन हमारे सीएस साहब ने बोल दिए कि 5 किलोमीटर के अंदर आपका एरिया है, इसलिए स्वास्थ्य उपकेंद्र आपके यहाँ नहीं हुआ। यही सब सोच है, जन कल्याण में लगा रहता हूँ। किसी तरह की जनता की कोई आपत्ति हो, चाहे किसी तरह के मामला हो, सबसे पहले हम मैं जाता हूँ और उसके दुख सुख में भागी रहता हूँ। ये प्रत्याशी हैं, नाम है मुनेश्वर सिंह, और इन्होंने वादा कर रहे हैं कि हम जीत करके जो इस महाला में रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वो हम काम करेंगे। सर बताएंगे, आप जिस महाले में बैठे हुए हैं, जब हम इस महाले में आए पंचायत पड़ताल में तो देखे कि नहीं पूरब से रोड है, न पश्चिम से रोड है, न उत्तर से है, न दक्षिण से। इस गांव में आने के लिए बहुत बड़ा समस्या, लेकिन जो भी प्रत्याशी आप जैसे वादा करते हैं, आज तक आज़ादी के 74 साल हो गया, खास करके यहाँ पर दलित समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं, अब पिछड़ी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इस गाँव में आने जाने का एक सुगम रास्ता नहीं है, उस पर आप क्या बोलेंगे? जो कुछ यहाँ रास्ता जो दिए हैं वो हम ही भरवाए थे, आंगनबाड़ी केंद्र दिए थे यहाँ, जान बुझ कर BDO साहब एक ऐसी वर्ग थे, उनसे हम संपर्क में आंगनबाड़ी केंद्र के जो पदाधिकारी उनसे मिल करके यहाँ हमने आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाया था। और उसके बाद जो हम लोग हाई स्कूल की जी बात है, 74 डिसमिल लोग बोलता है कि आप न लगिएगा तो ज़मीन, तो 74 डिसमिल जो ज़मीन है, खाता प्लॉट है जो टिलका कहता है, वो हमारे बाबा के नाम से है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि CO के यहाँ एप्लीकेशन भी दे दिए हैं। देखिए, ये बोल रहे हैं कि जो हमारे खानदानी ज़मीन है वो हम हाई स्कूल में देने के 74 डिसमिल देने के लिए तैयार हैं, और इन्होंने CO के यहाँ भी एप्लीकेशन दे। लेकिन सर, इतना करते हुए भी आप जैसे प्रतिनिधि को जो प्यार दुलार मिल रहा है, तो सर ये बताएँ कि आखिर इस गाँव में, इस महाले में जो दलित का भी बस्ती है, कुछ पिछड़ी समाज के लोग रहते हैं, उनको सर आने जाने की व्यवस्था कैसे? व्यवस्था तो यहाँ कोई बड़ी बात लाना नहीं है, क्योंकि ज़मीनें हम लोग का है, हम लोग अपना त्याग कर देंगे, 8 फीट 10 फीट 4 फीट इधर से 4 फीट ज़मीन पहुँचा देंगे, किसी के लेने देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़मीन सब हम ही लोग के परिवार के गुतिया का पहुँचा देंगे हम लोग खुशी से, इसमें कोई किसी का विपत्ति आपत्ति नहीं है, वो ज़मीन पर्सनल हम ही लोग का है। इन्होंने वादा किए कि इसे ज़मीन हम ही लोग का है, पर्सनल ज़मीन है, हम लोग पहुँचा दें, और इनके एक साथी हैं, सहयोगी हैं, उनसे भी जानेंगे। सर अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम शिव जन्म सिंह हुआ, वासिलपुर ग्राम पंचायत घुसड़ा का निवासी हूँ। मैं विगत 2016 में और सर 2016 में वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ा था, मैंने चुनाव में 3 वोटों से फ्लॉप कर गया था। हमारे विपक्षी उमा देवी वार्ड सदस्य में जीती, और जीतने के बाद इन्होंने महादलित टोला में आज तक नल जल का पानी नहीं पहुंचा, जो सरकार के द्वारा 29 लाख रुपया का आवंटन इनको दे दिया गया है। इन पर कार्रवाई भी चल रही है। मैंने कहना चाह रहा हूं कि सरकार जो पैसा देती है आम जनता के लाभ के लिए देती है, गरीब वर्गों के पिछड़े महादलितों के लिए देती है, लेकिन वैसे जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं और सारे सरकार के पैसे को घोटाला कर जाते हैं, लेकिन सरकार को थोड़ा, सरकार क्या, यहाँ का जो BDO है, CO है, कोई भी उन पर कार्रवाई करने के लिए उतारू नहीं होते हैं। मैंने यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ महादलित टोला ग्राम भुसड़ा में रेवटी बीघा नाम से जाना जाता है, ना यहाँ किसी प्रकार का आवागमन का साधन है, यहाँ के लोगों को न शुद्ध पेयजल है,
ना इन लोगों का किसी भी सामुदायिक भवन है, इन लोगों को हर हालत में परेशानी उठानी पड़ती है। देखिए इन्होंने साफ बोले कि जो यहाँ पूर्व में भी प्रत्याशी जीते हैं, जो नल जल की व्यवस्था की ना यहाँ आने जाने का कोई साधन है, तो सर बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीत के वादे करते हैं कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, क्या वैसे प्रत्याशी पर आपका विश्वास है? देखिए मैं खास करके ग्रामीण जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ और मैं करते रहता हूँ कि पंचायत चुनाव हो या विधानसभा की चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, वैसे प्रतिनिधि को चुने यहाँ की जनता जो विकास अच्छे ढंग से होके, नहीं तो गलत प्रत्याशी को चुनने के बाद यहाँ इस पंचायत यानी वासिलपुर ग्राम पंचायत के ग्राम भूसला में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ न होगा। यहाँ के मुखिया भाई वीरेंद्र जी जीते थे और इन्होंने आज तक इस गांव में न ईटा जोड़वाए और न किसी तरह का विकास कार्य में सहभागिता लिए न अभिरुचि लिए।